तो आपने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर लिया, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर चुके हैं। अगर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद आप कौन कौन सी काम कर सकते हो, जैसे कि प्लांट टिश्यू कल्चर हो गया, या फिर एनिमल टिश्यू कल्चर भी रहता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक अहम हिस्सा होता है, वो होता है जीन सिक्वेंसिंग से लेकर कोई भी मॉडिफिकेशन करना, सब कुछ एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट की जॉब प्रोफाइल में आ सकता है। तो अगर आप ये जॉब ड्रीम करते हो, ऐसे लेबोरेटरीज में काम करना और इस हिसाब से अपनी लाइफ को बिल्ड करना फ्यूचर के लिए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे बातें करेंगे। अभी बात कर रहे थे करियर अपॉर्चुनिटी और उसके साथ साथ जॉब, कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी है, उसके साथ क्या जॉब ऑफरिंग्स हैं। पहली है बायोटेक प्रोजेक्ट प्रोडक्ट मैनेजर। बायोटेक प्रोडक्ट मैनेजर किस काम आएगा? बायोटेक प्रोडक्ट मैनेजर मतलब आप कोई भी प्रोडक्शन यूनिट में, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, वहाँ पे काम कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। मतलब आप प्रोडक्ट को लेके काम करोगे, उस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, उस प्रोडक्ट को मेंटेन करना, उस प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बनाया जाए, उस सारी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस प्रोडक्ट मैनेजर का काम क्रॉस फंक्शनल होता है, मतलब आप एज अ प्रोडक्ट मैनेजर प्रोडक्शन हाउस के साथ डील करेंगे, जो प्रोडक्शन यूनिट पे फ्लोर पे काम करें उनके साथ डील करेंगे, क्वालिटी एनालिस्ट के साथ डील करेंगे, आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के साथ डील करेंगे, सबके साथ आप मैनेज करेंगे, दैट इज बायोटेक प्रोडक्ट मैनेजर। फिर आता है बायोटेक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एक सेम इंडस्ट्री जहाँ पर प्रोडक्ट तैयार हो रहा है तो कोई सेल्स रेप चाहिए जो प्रोडक्ट को बेचेगा। डायरेक्टली कोई कंज्यूमर को बेचते हैं या फिर कोई बिजनेस को बेचता है, दोनों केसेस में ही ये बेचना इंपॉर्टेंट होता है, वो बायोटेक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम है। उसके बाद आ जाता है बायोटेक क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, यहाँ पे आपका काम होता है एज ए क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट। एक बायोटेक अगेन प्रोडक्शन के अलावा उसके अपस्ट्रीम कुछ प्रोसेसिंग है, डाउनस्ट्रीम कुछ प्रोसेसिंग है। अपस्ट्रीम में देखना पड़ता है कि जो जो रॉ मटेरियल्स आया है वो ठीक ठाक है या नहीं, उसको देखकर प्रोडक्ट बना सकता है या नहीं, उसका पीएच चेक करना, उसमें कोई कंटामिनेंट्स है उसको चेक करना, सब कुछ वो अपस्ट्रीम में होता है। फिर डाउनस्ट्रीम में प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट की फिनिशिंग कैसा होगा, उसका अगर कोई फूड है तो उसका टेस्ट, ऑर्डर, सब कुछ चेक करना, कोई इम्प्योरिटीज है उसको चेक करना, ये क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट की काम है। बायोटेक प्रोसेस डेवलपमेंट साइंटिस्ट का जो काम होता है वो होता है कि जो प्रोसेस है जो प्रोडक्शन में यूज़ होता है, जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाता है, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी टर्म से फर्मेंटेशन सिर्फ एनएरोबिक नहीं होता, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी कोई भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को ही कहा जाता है। तो वहाँ पर ये बायो प्रोसेस जो होता है, जो प्रोसेस में ये कन्वर्शन चलता है रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनना, तो ये प्रोसेस को आपको रेगुलेट करना होता है। ना तो सिर्फ रेगुलेट करना होता है बट आपको स्टैंडर्डाइज करना होता है एज अ रिसर्च वर्कर। मान लो कि आप ईस्ट लेके काम कर रहे हो, सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस के एक स्ट्रेन लेके आप काम कर रहे हो, उससे आप कोई एक फूड प्रोडक्ट बना रहे हो, तो सैक्रोमाइसिस के कौन सा स्ट्रेन से वो फूड प्रोडक्ट और भी बेहतर बने, मार्केट में बाकी प्लेयर्स से ज़्यादा बेहतर बने, क्योंकि यहाँ पे आप बिजनेस पे आ गए, बिजनेस मतलब कंपटीशन, वहाँ पे आपको बेहतर प्रोडक्ट कम दाम में इंडिया में लोगों के लिए लाना है, ये आपका काम रहेगा। तो यहाँ पे उस चीज़ को देखना बायोटेक प्रोसेस डेवलपमेंट साइंटिस्ट का काम है। इसके बाद आता है बायोटेक रेगुलेटरी अफेयर्स स्पेशलिस्ट, जो रेगुलेटरी अफेयर्स को लेकर स्टडी करते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स मतलब जो लॉज इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, बहुत सारे लॉज हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो वो कॉस्मेटिक्स है उसके लिए अलग लॉ, वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसके लिए अलग लॉ, वो फूड प्रोडक्ट है उसके लिए अलग लॉ, ये सारे लॉज को आपको गवर्न करना, आपको जानना होता है। उस हिसाब से कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई सर्विस बेच रहा है, वो सारे लॉज में फिट बैठ रहा है या नहीं उसको चेक करना होता है, ये रेगुलेटरी अफेयर्स स्पेशलिस्ट का काम है। फिर आता है बायोटेक पेटेंट लॉयर, यहाँ पर आपका काम होगा कि बायोटेक जो कोई भी एक कंपनी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूज़ करके एक प्रोडक्ट बना रहा है या फिर एक सर्विस बेच रहा है जो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस है, उस टेक्नोलॉजी में उस कंपनी का खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट है तो उनका हक है उसमें, तो वो शायद कोई और कॉपी ना करे, इसके लिए वो उसको पेटेंट लेना चाहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो एज अ पेटेंट लॉयर आपका काम होता है पेटेंट को ड्राफ्ट करना, उसको फाइल करना, ये सारी चीज़ आपके लिए होता है। फिर आता है बायोटेक एंटरप्रेन्योर, देखो इसका तो कोई लिमिट नहीं है, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आप खुद के हिसाब से बिजनेस खड़ा कर सकते हो, ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो सकता है, सर्विस बेस्ड बिजनेस हो सकता है। फिर आखिरकार आता है बायोटेक रिसर्च साइंटिस्ट, मैं ये नहीं कहूँगा कि एमएससी के बाद आप बायोटेक रिसर्च साइंटिस्ट नहीं बन सकते, मैं यही कहूँगा एमएससी के बाद आप बायोटेक रिसर्च ट्रेनी बन सकते हो, बायोटेक रिसर्च और वी कैन से दैट बायोटेक रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो, बायोटेक रिसर्च साइंटिस्ट नहीं बन सकते। असिस्टेंट के तौर पे आप कोई रिसर्च वर्क में हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो, उस रिसर्च वर्क में जो जेआरएफ है, एसआरएफ है, उनको मदद कर सकते हो, लैब हेड पीआई उनको मदद कर सकते हो। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मान लो कि डीबीटी इंडिया
डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो एक फंडिंग दे रहा है कोई इंस्टीट्यूट को कि छोटा मोटा एक प्रोजेक्ट है वो करके दे दे। तो उस प्रोजेक्ट के लिए जो लैब हेड है वो तो उसका टीचिंग का भी जॉब होता है कॉलेज में, तो उसके साथ साथ वो एक टाइम निकाल के नहीं कर सकते, तो वो रिसर्च असिस्टेंट हायर करते हैं, जो जो फीस उन्हें मिला है उससे वो रिसर्च असिस्टेंट को पे करता है ताकि रिसर्च असिस्टेंट काम करे। मगर इसमें भी जो सैलरी रेंज होगा वो 2 से 2.5 लाख रुपये या 3 लाख रुपये मैक्सिमम आता है। तो ये सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए रहेगा, और रियलिटी यही है कि आपका जो सैलरी रेंज 2.5 लाख से 3.5 लाख के बीच वैरी करेगा एज अ फ्रेशर। अगर आप इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हो तो एमएससी मत करो, ग्रेजुएशन के बाद जॉब में चले आओ। भले ही स्टार्टिंग में आपको 10-15 हज़ार महीने का मिले, धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस से बढ़ जाएगा। और अगर एमएससी करके भी आप आते हो तो वही हाल होगा, तो इसीलिए बेहतर है कि आप ग्रेजुएशन के बाद जॉब में आ जाओ अगर जॉब करना चाहते हो, और अगर एकेडमिक में रहना चाहते हो या फिर रिसर्च करना चाहते हो तो एमएससी करो, फिर पीएचडी, फॉर लंबा खेलो, लॉन्ग दूर का देखो, ठीक है। तो ये सारे चीज होता है एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिले। थैंक यू।